सीखने का मतलब क्या होता है, मतलब वन इज बेटर देन द अदर वन, यू नो फर्स्ट सेकंड थर्ड में स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, लेकिन बॉलीवुड में ये अप्लाई रूल नहीं होता है बाय द वे, जस्ट सेइंग। वेलकम टू ऑनलाइन ओरिजिनल्स, ये है स्टॉकिंग मूवीज, मेरा नाम है श्रेयस राव और इस हफ्ते रिलीज हुई है प्रभु देवा ने जो डायरेक्ट की है मूवी दबंग 3 स्टारिंग द बिगेस्ट स्टार ऑफ बॉलीवुड सलमान खान, मतलब जो एज होना नहीं चाहते हैं वही घिसे पिटे एक्शन करना चाहते हैं, और नए रेजोल्यूशन में उन्होंने सोचा है कि वो ये छोटा सा सोशल एंगल भी लेकर आएंगे, तो इसलिए इस मूवी में फेमिनिज्म का भी थोड़ा सा झटका है। एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा, हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। देखो यार, मुझे सीक्वल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे दबंग 1 बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, आई लव दैट मूवी। दबंग 2 में क्या प्रॉब्लम हुआ था आप सबको पता है, और उसके बावजूद दबंग 3 बनाने का मतलब जरूरत जो किया है इन लोगों ने, तो सीक्वल्स के लिए तालियां बजनी चाहिए। देखो सीक्वल्स बॉलीवुड में काम नहीं कर रहा है, ये हमने और आपने कहीं पहले जान लिया था, बॉलीवुड को भी अभी समझना चाहिए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फॉर एग्जाम्पल, बागी 2 फॉर एग्जाम्पल, रेस 3 फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद दबंग 3 आएगी तो क्या होने वाला है। लेकिन फ्लॉप नहीं हो रही है, पिक्चर से कमा रही है क्योंकि इसमें भाई जान है। देखो प्रभु देवा का डायरेक्शन जो है ना काफी डिफरेंट है, इट्स नॉट फॉर सलमान खान, वो साउथ में काम करते हैं और आर राजकुमार जैसे फिल्म से भी काम कर लेते हैं, लेकिन दबंग 3 का जो आइडिया है, देयर इज अ कैरेक्टर, देयर इज अ पर्सनालिटी, उस पर्सनालिटी के सराउंडिंग काफी सारी स्टोरीज है। दबंग 1 में ये काफी अच्छी तरह से दिखाया गया था, दबंग 2 में ऑब्वियसली इतना नहीं था, और दबंग 3 में आते आते स्टोरी का जो मतलब पूरा पॉइंट है इज कम्प्लीटली लॉस्ट। दबंग 3 में उनको पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए स्टोरी में, क्या अलग कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, दबंग 1 से पहले जो दबंग नहीं थी उस मूवी को वापस लेकर आ गए एज दबंग 3। सो बेसिकली दबंग 1 से पहले चुलबुल पांडे कैसे थे, उनका रियल नाम क्या है, उनकी लव स्टोरी क्या थी, और दबंग 1 में सोनाक्षी सिन्हा के साथ कैसे मिले ये दिखाया गया है। सलमान खान कांड भी ओल्ड, तो ऑब्वियसली कोई एंगल लाना था जहाँ पे वो फिर से 24 साल के है, जस्ट लाइक भारत इसके लिए एक छोटी सी एक्ट्रेस को भी लिख के आए हैं, उसका नाम है साई मंजरेकर, जो मतलब हैज नॉट इवन गिवन वन पीस टू कैमरा। द एंटायर मूवी इज अबाउट सलमान खान एंड द सलमान खान, तो उन्होंने इस छोटी सी एक्ट्रेस को ले लिया है, हु इज आई थिंक 21 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज 54 प्लेइंग 24 और 25 एंड दे आर ट्राइंग टू रोमांस। एंड फेमिनिज्म का एंगल तो देखिए इस पूरी मूवी में, सलमान खान इज ट्राइंग टू शो कि हाउ ही डजंट टेक डाउरी बट ही गिव्स डाउरी, वो मतलब लड़कियों को और शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करने नहीं बोलते हैं। यार देखो सोशली रेलेवेंट फिल्म्स बनाना इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब आपके फैंस उसको पैटर करेंगे, पीपल लाइक इट, बट सलमान खान यू कांट डू इट, डोंट डू इट, वी लाइक यू एज अ मसाला हीरो, सो वही करो ना, ये अलग तरह के फेमिनिज्म, छोटा सा मतलब अगर करना भी है तो फुल फ्लेश करो, ये मतलब हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब आधी पकी दाल किसी को पसंद नहीं है यार। सोनाक्षी सिन्हा वही कर रही है जो दबंग 1 में कर रही थी, ब्यूटीफुल साड़ीज पहना और डांस कर रहा सलमान के साथ, वही किया है फिर से, तो थैंक यू। बाय द वे 25th फिल्म है सोनाक्षी सिन्हा की, उसमें भी यही कर रही है, तो मतलब क्या तरक्की किया आपने, आई हैव नो आईडिया। रज्जू एंड नाउ एज यूजुअल मूवी की रिव्यू 3 कैटेगरी में, लाइक, डिसलाइक एंड हार्ट। Like me, I like the fact that, you know, there is so much hero worship happening over here. Dislike me, a lot of things. Like, for example, puri storytelling. Actually, it was going from here to there and there. What did I love about the movie? That one chota sa special appearance that Prabhu Deva does in Munna Badnaam Hua. Isme bhi kyunki Munni ki to divorce ho chuki hai, to kaise aayegi Munni? Also, Prabhu Deva, why is he getting into this whole direction part? It's not his cup of tea. So, overall, I just want to say one thing. You know, the movie is going to make money and I know this and you know this. Jaisa aap jante hai, hum movies ko stars nahi dete kyunki Salman Khan khud ek sabse bade star hai. To hum hats off karte hai. Hat mera yahan pe hai. Is movie ko main deta hu actually 2.5 hats. वैसे म्यूजिक भी ज्यादा खास नहीं है इस बार, आप भी जाके दबंग 1 ही देख लो मेरी तरह। ओके बाय, आई बी बैक वेरी सून विद सम मोर रिव्यूज, बिकॉज़ बहुत सारी मूवीज रिलीज जो होने वाली है इन द कमिंग वीक, सो अंटिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑनलाइन ओरिजिनल्स फॉर मोर कंटेंट फ्रॉम ट्रैवल फूड बॉलीवुड एंड मूवीज। माय नेम इज श्रेयस, साइनिंग ऑफ।